हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश कुमार। संगीता एंड महेश किचन ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लगाने जा रहे हैं सिंगोनियम का पौधा, जिसके लिए मिट्टी का मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। मिट्टी का मिक्सचर तैयार करने की विधि दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से मिट्टी को बनाना चाहिए। ये हमने मिट्टी ले ली है, इसको जो है रोड़ी सब फोड़ दिए हैं, बिल्कुल भुरभुरा बना दिए हैं मिट्टी को। इस तरीके से फोड़ देना है। फोड़ने के बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा गोबर की खाद। गोबर की खाद सड़ी हुई होनी चाहिए, कच्चा गोबर ना हो। कच्चा गोबर होगा तो पौधे के लिए नुकसानदायक होता है दोस्तों। गोबर की खाद और मिट्टी का परसेंटेज लगभग में 50-50% रखना है। उसके बाद गोबर की खाद में भी बड़ी बड़ी रोड़ी होती हैं, इनको तोड़ देना है, जितना हो सके महीन कर लेना है और फिर मिक्स कर देना है। इसमें थोड़ा हम डाल रहे हैं ये पानी। ये पानी साधारण पानी नहीं है दोस्तों, इसमें हमने मिलाया है थोड़ा नीम का तेल, मिक्स करके तब इसमें छिड़काव कर रहे हैं। जिस ये जो है फ़ायदेमंद होता है, मिट्टी में डाल दो तो थोड़ा सही रहता है, अंगस फंगस होने के कम चांस रहते हैं, जिससे पौधा स्वस्थ रहता है। ये है सिंगोनियम का पौधा, इसको जो है हम इस पॉट में लगाने वाले हैं। इस तरीके से खोल लेंगे आराम से। अरे ये देखो टूट गया, इतना आराम से निकालना है कि ये टूटना नहीं चाहिए। इसमें जड़ें नहीं हैं इसलिए टूट गया। जड़ होती है तो जल्दी नहीं टूटेगा। पॉट में दोस्तों मिट्टी उतनी डालनी चाहिए जितने में उसका पिंडा पॉट की सतह ऊपरी सतह से थोड़ा नीचे ही रहे, जिससे ये जो मिट्टी बाहर से भरी जाएगी ये थोड़ा उसके पिंडे के ऊपर रहनी चाहिए। ध्यान ये रखना है पौधा सीधा रहना चाहिए। इस तरीके से मिट्टी भर देंगे, उसके चारों तरफ से सही से दबा दबा के मिट्टी भर देंगे। इस तरीके से मिट्टी भरने के बाद पौधा हमारा लगकर लगभग तैयार हो चुका है। अगर तब तक दोस्तों अगर यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि कोई सुझाव हो तो सुझाव ज़रूर कमेंट में बताएं, जिसको हम अगली वीडियो में पूरा कर सके दोस्तों। वीडियो यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये लग के तैयार हो गया, पानी डाल दे रहे हैं। अब मेरा पौधा लग के तैयार हो चुका है। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू मेरे चैनल पे आने के लिए। जय हिंद, जय भारत।